चित्रहेत तुषार हत्याकांड को लेकर तब काफी गहमा गहमी का माहौल रहा था, काफी ज्यादा चर्चाएं तब उस मासूम 13 वर्षीय तुषार के कत्ल की हुई थी। दरअसल साथी छात्रों ने ही आपसी विवाद के बाद तुषार की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से इस परिवार की गोद अब सूनी थी। तमाम कोशिशें परिवार ने की कि उन्हें एक बच्चा हो जिसके सहारे वो अपना जीवन काट सके। अब इस बच्चे के सपने को साकार किया है मेरठ के डॉक्टर। अब परिवार में फिर एक बार किलकारी गूंजी है और दंपत्ति को एक बच्चा मिल गया है। इसके साथ में झगड़ा हो गया था, तुषार के साथ में 5 लड़कों ने इसको अटैक करा आगे पीछे घेर के टॉयलेट के अंदर, पता भी नहीं गया। फिर वही लड़के मेरे साथ जाते अस्पताल में, मैं जैसे उनको फोन आया तो स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला कि आपके लड़के को मिर्गी उठी है, मिर्गी हो गई और अब आप आ जाओ स्कूल में। मैं स्कूल के लिए भागी एक महीने पर, तो जब 2 मिनट फोन आता है कि आप मावे अस्पताल में पहुंचे, क्योंकि हमारे पास नहीं है मावे अस्पताल, मावे अस्पताल हमारे पास नहीं है। तो उधर बोला कि उधर आ जाओ, प्रिंसिपल ने बोला। मैंने देखा तुषार को तो तुषार एकदम ठंडा हुआ था, हो रहा था, उसके बटन खुले हुए थे, उसकी बेल्ट को हमको भी नहीं लगा हुआ था। मैं कि ऐसा कैसा हो गया इस तुषार को, इसे इस तरह की हालत, मैंने तो अपने बच्चे को सही भेजा था। तो प्रिंसिपल रहा, वो लड़का भी साथ में था जिसने हत्या की थी मेरी बेटी, वो लड़का बोला कि आपके लड़के को तो मेरी बेटी थी और हमें पता भी नहीं था, हम तो सर को बुला कर लाए। 3.5 साल बाद आपकी, बल्कि 4 साल से जी। मैम से मुझे मिलवाया था किसी ने, कजनपुरा में थे हमारे, इन्होंने इलाज कराता था उनका भी। मैम 3.5 साल बाद आपकी, बल्कि 4 साल से जी। मैम से मुझे मिलवाया था किसी ने, कजनपुरा में थे हमारे, इन्होंने इलाज कराता था उनका भी। मैम ने भगवान है मेरे लिए, तब भी भगवान है, मैंने उसी दिन कहा था कि मैम मेरे लिए भगवान है, मैं तब भी प्यार छू रही मैम के, मुझे मेरा बेटा मिल गया। वो हाथ जोड़ करके रोने ही लगी जब बच्चा मिला उसको, तो इतना धन्यवाद कर रही थी, कहती कि डॉक्टर हम तो जिंदगी भर इस एहसान को नहीं भूल सकते, आप लोगों को दुआई दे के जा रहे हैं, बड़ी दुआएं दी। माँ बाप दोनों ने कहा इसकी मम्मी आप ही हैं, इतना ज्यादा खुश हुए वो लोग, कहने डॉक्टर साहब इसकी मम्मी तो आप ही हैं। हमने कहा मम्मी क्यों, हमें तो नानी ही समझो इनकी, तो कहने लगे नहीं डॉक्टर साहब आपने दिया और आप ही लोगों का इस पर बहुत बड़ा हाथ रहा। इट वॉज रियली डिफिकल्ट, द मदर इज सो ओबीज, इतनी मोटी भी हो गई थी टेंशन और उसमें डिप्रेशन में, तो बता रही थी कि जब उसका केस हुआ था तो नंगे पांव भाग के गई थी स्कूल तक, उसको इतना सडन शॉक लगा था और उस वक्त उस पर कोई उम्मीद नहीं थी कि बच्चा होगा। थ्रू एंड थ्रू ये हमारे हाथ में लिखा था, किस्मत इनकी थी, कैसे हुआ हुआ। जब 2018 में घटना हुई उस टाइम बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा इसके इन दंपति ने, और उसके बाद भी बहुत दिन तक ये लोग परेशान रहे, क्योंकि जाने वाला चला गया, अब उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन वो तो नहीं आ सकता था, लेकिन कुछ तो भरपाई बच्चे के आने से हुई। देखिए ऐसा है, ये एक दंपति थे, वर्ष 2018 में एक दुर्घटना हुई थी स्कूल में, जिसमें एक यंग बच्चा करीब करीब 13 या 14 साल का, कुछ घटना ऐसी हुई कि वो उसको इस दुनिया में नहीं रहा वो, उसमें अलग अलग तरह की वो है, घर वालों का अलग कहना है, स्कूल वालों का अलग कहना है, और इकलौता बच्चा था वो उनका। बहुत दिन तक वो लोग बहुत दुखी रहे, क्योंकि इकलौता अगर बच्चा चला जाए किसी का तो उसके बाद किसी के मन में क्या चलता है ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर उन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट किया कि साहब हमारे संतान हो सकती है, मदर की उम्र 40 के आसपास है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि नेचुरली प्रेगनेंसी होना बड़ा मुश्किल है, तो इसका हम टेस्ट ट्यूब विधि द्वारा कोशिश की जा रहे। तो नवंबर 2019 में हम लोगों ने पहली बार इनके टेस्ट ट्यूब की प्रक्रिया की, और इत्तेफाक से पहली बार में प्रेगनेंसी आई, मगर इनिशियली वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ पा रही। उसके बाद काफी दुख हुआ क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं बढ़ी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी इस कपल ने ना हम लोगों ने फिर दोबारा दिसंबर 2020 में दोबारा टेस्ट ट्यूब का प्रयास किया। इस बार एक बच्चा यूट्रस में और एक 2020 में दोबारा टेस्ट ट्यूब का प्रयास किया। इस बार एक बच्चा यूट्रस में और एक टेस्ट एक मदर के ट्यूब में आ गया, जिसके एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और
वो रप्चर हो गई, जिसके अंदर अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर होती है तो ब्लीडिंग हो जाती है पेट में, तो हम लोगों को इमरजेंसी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ी और एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी उसको हटाना पड़ा, मगर यूट्रस की प्रेगनेंसी कंटिन्यू रही। और इस तरह से पिछले माह इसको बेबी हुआ है और इनको इतना खुशी है, उन्हें लगता है कि मेरा जो बच्चा जा चुका था वो वापस आ गया है एक तरह से। हालांकि पहले बच्चे के दुख को कम तो नहीं किया जा सकता, मगर किसी हद तक उस दुख को थोड़ा सा कम किया जा सकता है। माँ बाप बच्चे के साथ खुश है और हमें इस बात की खुशी होती है कि हम अब टेक्नोलॉजी से किसी के घर को, किसी के मन को उनको आबाद कर सकें, उनको खुशियां दे सकें। यह हमारे लिए सबसे बड़ा एक जीवन का गेन होता है, ये प्राप्ति होती है। टेस्ट ट्यूब के जरिए ये बच्चा पैदा हुआ है, जिसके बाद न सिर्फ परिवार काफी खुश है, वहीं डॉक्टर्स भी इससे काफी उत्साहित हैं। परिवार का कहना है कि ये मासूम बच्चा जिस तरह से अब उनके जीवन में आया है, ये कहीं ना कहीं एक वरदान है। साथ ही वहीं डॉक्टर्स को भी अब ये परिवार भगवान का दर्जा दे रहा है। फिलहाल सूनी गोद एक बार फिर भर गई है और परिवार अब यहाँ काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत,